ये मेरी दोस्त एली है, क्या आप उसे मिलना चाहोगे? नमस्कार, मेरा नाम एली है। मेरी उम्र 12 वर्ष है और मैंने अपना ज्यादातर जीवन एक सर्कस में बिताया जहां मैं बहुत उदास थी। सर्कस में मेरा जीवन बहुत दुखों से भरा हुआ था। जब दर्शक हमारे रंग बिरंगे कपड़े और शरीर पर पेंट से सजा हुआ देखते थे तो उन्हें हमारे जीवन का दुख का बिल्कुल अंदाजा नहीं लग पाता। हमें अलग अलग करतब करते हुए देखकर दर्शकों को लगता था कि सब ठीक है, जबकि ये बिल्कुल झूठ है। सर्कस किसी भी तरह से हाथियों के लिए मनोरंजन नहीं होता है और ना ही हमारी सवारी या समारोह में हमारा इस्तेमाल, जहां हमें जबरदस्ती घंटों तक खड़ा रखा जाता है। ढोल की तेज आवाजों से और शोरगुल से हमें बहुत कष्ट होता है और हमें इंसानों की भीड़ से भी बहुत डर लगता है। मैं कभी उन क्रूर लोगों को नहीं भूल सकती जो मुझे जंगल से उठाकर सर्कस में ले आए। उन्होंने मुझे जबरदस्ती एक लकड़ी के डिब्बे में बंद कर दिया था और लाठियों से बहुत पीटा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चाहते थे, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने मुझे जबरदस्ती कुछ अजीब से करतब करने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे अपने सूंड पर गेंद का बैलेंस बनाना और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होना, हमारे लिए शो में करतब करना, पीठ पर सवारी कराना और समारोह के बीच प्रदर्शन करना इतना आसान नहीं है जितना सबको लगता है। इंसानों द्वारा हाथियों को लंबे समय तक जंजीरों में कैद करके रखा जाता है और हमें घंटों तक सीमेंट के पक्के फर्श पर खड़े रहने पर मजबूर किया जाता है। मैं अब अपने नए घर में बहुत खुश हूँ, जहाँ मैं नरम घास पर घूम सकती हूँ। मुझे आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। अब मुझे जाना है, फिर मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय बच्चों। क्या आज आपने एली से कुछ सीखा? हाँ। क्या सीखा? हाथियों को सर्कस में रहना पसंद नहीं है। हाथियों को सवारी कराना पसंद नहीं है। हाथी दूसरे हाथियों के बिना अकेले हो जाते हैं। कौन चाहता है हाथी खुश रहे? हाथियों को कैसे खुश रख सकते हैं? उनको दुख ना देकर। बिल्कुल सही बच्चों, हाथी अपने परिवार के साथ जंगल में खुश रहते हैं।